और मैं श्रेया दो, आप देख रहे क्लाउन टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल पर दिन भर की सुर्खियां। वाराणसी में भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ व शिव शक्ति के संयुक्त तत्वावधान में तेलियाबाग से बाबा काशी विश्वनाथ धाम तक जलाभिषेक यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष और बच्चे हाथों में कलश लेकर विश्वनाथ धाम तक पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक किया। बताते चले कि वाराणसी के तेलियाबाग स्थित श्री राम कटरा के सामने वाहन पर बाबा का शिवलिंग स्थापित कर विधिवत रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, के उपाध्याय, बिरहा गायक दीपक सिंह, भाजपा जौनपुर के प्रभारी डॉक्टर राकेश त्रिवेदी आदि लोग मौजूद रहे। जुलूस का नेतृत्व शिव शक्ति दल के अध्यक्ष भानु प्रताप सोनू ने किया। इस अवसर पर इंद्र प्रकाश मंटू, धर्मात्मा जायसवाल, ब्रिजेश श्रीवास्तव, उदय, दिनेश साहू, किशन सोनकर, पप्पू यादव, मनोज जायसवाल आदि लोग शामिल रहे। मैं भानु प्रताप राज सोनू, आयोजक, शिव शक्ति दल प्रमुख, और यहाँ पे हमारे सारे कमेटी के सदस्य खड़े हैं। हम लोगों हर साल यह बाबा विश्वनाथ का जला शिव बरात एवं जलाभिषेक पद यात्रा करते हैं। इसमें सबसे पहले बाबा का फूल माला बेला और उसका पूजा अर्पण कर रुद्राभिषेक कर यहाँ से भोजपुरी कलाकार एवं सांस्कृतिक कलाकार विजय वाल्मीकि द्वारा शिवलीला की प्रस्तुति एवं फिल्मी स्टार कलाकारों द्वारा, भोजपुरी कलाकारों द्वारा रोड शो, काशी का सबसे बड़ा अद्भुत प्रोग्राम अब तक के इतिहास में, यह बहुत ही प्राचीनतम हो कई वर्षों से चला हुआ आ रहा है। वाराणसी के सारनाथ में पार्थिव शिवलिंग का हुआ सामूहिक रुद्राभिषेक, जहां 501 परिवार बने यजमान। वैदिक मंत्रोच्चार, डमरुओं के निनाद और शंखनाद से गुंजा सारंग नाथ प्रांगण। हर हर महादेव के जयकारे से शिवमय हुआ सारनाथ। बताते चले कि सारंग नाथ रुद्राभिषेक समिति एवं प्रबुद्ध जन काशी की ओर से सारनाथ स्थित सारंग नाथ मंदिर प्रांगण में शनिवार को सामूहिक रुद्राभिषेक पार्थिव 2022 का आयोजन किया गया। महारुद्राभिषेक की मुख्य यजमान महापौर मृदुला जायसवाल रही। इनके साथ NDRF कमांडेंट मनोज शर्मा, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रणय कुमार सिंह, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था संतोष सिंह, मंडलीय शिक्षा निदेशक अवध किशोर सिंह, कुलपति काशी विद्यापीठ प्रोफेसर आनंद त्यागी, भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, पुलिस उपाधीक्षक STF विनोद सिंह, राष्ट्रीय सलाहकार सदस्य सहकारिता मंत्रालय प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह, अधीक्षण अभियंता अरविंद, सिविल जज कुमुद लता यजमान के रूप में सहभागी रही। सामूहिक रुद्राभिषेक में 11 आचार्यों के आचार्यत्व में 101 बटुकों के मंत्रोच्चार के बीच 300 प्रबुद्ध व 201 सामान्य परिवार ने पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक व दुग्धाभिषेक किया। महारुद्राभिषेक के लिए सारंग नाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग और तालाब तट को गंगा, यमुना, कृष्ण, नर्मदा क्षेत्र में बांटा गया था। समूचा प्रांगण वैदिक मंत्रोच्चार, डमरू और शंखनाद से गुंजायमान रहा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारे से सारनाथ क्षेत्र शिवमय हो गया। महारुद्राभिषेक का शुभारंभ गणेश पूजन शंखनाद से हुआ। इस भव्य समारोह का आयोजन डॉक्टर संजय गौतम ने किया। इस मौके पर डॉक्टर अशोक सोनकर, किरण सिंह, PK सिंह, रामबाबू शार्दिल्य, रेवती रमण शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, मोनिका राय, रचना तिवारी, लक्ष्मी शार्दिल्य, राहुल सिन्हा, PK सिंह, पवन कुमार सिंह, वंदना झा आदि लोग मौजूद रहे। और इसमें आने के लिए तो बिहार से भी लोग आए हुए हैं, बंगाल से भी लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र से चलकर के भी लोग आए हुए हैं और पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से भी आए हुए हैं। मुख्य स्थिति में क्या है जी? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सामूहिक रूप से जब हम कोई करते हैं, कोई भी छोटा सा पूजा अनुष्ठान करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं, तो वो एक यज्ञ हो जाता है, ऐसा हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। रोटरी क्लब काशी ने पुनः प्लास्टिक बैग मुक्त अभियान चलाया। प्लास्टिक बैग मुक्त अभियान के तहत रोटरी क्लब काशी ने जागरूकता हेतु वाराणसी के सुंदरपुर इलाके में दिनांक 7 अगस्त को सब्जी व फल के ठेलों पर बैनर लगाया, जिससे लोग ये संदेश पढ़ सके और पर्यावरण के बचाव हेतु प्रेरित हो सके और प्लास्टिक झोले की जगह कपड़े का झोला साथ लेकर आए। क्लब ने यह जागरूकता का कार्य पूर्व में महमूरगंज, सिगरा, कचहरी, सारनाथ, GTC गेट और शिवपुर पर किया था, जो कि बहुत प्रभावी रहा।
कार्यक्रम का संयोजन रोटरी राजन जायसवाल व सह संयोजक रोटरी रमा शंकर जायसवाल ने किया। मौके पर रोटरी काशी अध्यक्ष रोटेरियन आयुष्मान सुरेखा ने अपने सभी सदस्यों को बैग वितरित किया। कार्यक्रम के साथ में सचिव रोटेरियन अरुण तिवारी, संजय गर्ग, अश्विनी श्रीवास्तव, सुधीर जरीवाला, अमरेश पांडे, गोपाल जी आदि मौजूद थे। क्लाउन टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए